हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनी सिंगला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो HSC की तरफ से अभी कुछ ही समय पहले जो है एक नोटिफिकेशन आया, जिसके अंदर आपको एक गुड न्यूज़ दी गई है। तो आपको पता होगा कि HSC की तरफ से अभी दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जो आज इवनिंग के अंदर। तो दो के दो नोटिफिकेशन है जो हमारे जो HSC के जितने स्टूडेंट हैं, जो क्लर्क या जो ग्राम सचिव कनाल पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, जो ग्रुप डी जैसे कि एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, तो इनके रिगार्डिंग सभी की जो एक गुड न्यूज़ जारी हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको साइंस या हरियाणा जी के और हिंदी की क्लासेस लगानी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस हैं जो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी नोटिफिकेशन शो करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आज नोटिफिकेशन आया जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बताया गया कि जितनी भी कैटेगरीज एडवर्टाइजमेंट आई हैं, 7, 8, 9 और 10 जितनी भी एडवर्टाइज हैं, तो इनकी सबकी जो है डेट आपकी 3 जुलाई, तो वेरियस पोस्ट की थी जो 3 जुलाई है जो इनकी एग्ज़ाम की डेट रखी गई थी। तो इनके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ यहाँ पर बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी आपकी जो वेबसाइट लिंक थे डिसेबल कर दी जाएंगे इसके बाद, यानी कि आपकी तारीख है जो 26 जुलाई है जो एक्सटेंड कर दी गई, यानी कि जितनी भी डिपार्टमेंट आपके 7, 8, 9 और 10 ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी और जूनियर इंजीनियर की जो 4 कैटेगरी हैं, आपकी डेट है जो एक्सटेंड कर दी गई 26 जुलाई तक। और आपकी फ़ीस एक्सटेंड करने की डेट है जो फीस सबमिट करने की डेट है जो आपकी 29 जुलाई रहेगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक न्यूज़ और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके आगे देखिए फ्रेंड्स, ये कैटेगरी है जो पुलिस की कैटेगरी है, देखिए फ्रेंड्स उसकी कोई डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। उसका एग्ज़ाम है जो जुलाई में हो जाएगा, लेकिन अदर जितने एग्ज़ाम रिमेनिंग रहते हैं वो सारे के सारे आपके अगस्त में होंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक और गुड न्यूज़ आई है जिसके अंदर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई है। तो हमारा सभी का इशू रहता है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता जनरल कैटेगरी को, उनको एज के इशू से रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बेनिफिट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी कैंडिडेट है जो DC रेट पर या कोई वर्क कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो उन्हें जो है एज रिलैक्सेशन है जो ज़रूर मिलेगा। ये हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आया है इनको। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा यहाँ दिखाया हुआ शो हो रहा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ कि ये ओरिजिनल है बिल्कुल। यहाँ पर 3 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन साइट पर जो है आज ये आ चुका है। आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, यही गुड न्यूज़ थी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।